नमस्कार, मैं कपीश भंगला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाहड़ा इलाके में एक किराना की दुकान से गांजा बरामद किया है। नाकाबंदी के दौरान यूनिवर्सिटी रोड स्थित महावीर किराना ने पाहड़ा निवासी प्रवीण उर्फ रौनक जैन को 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा। बाद में इसकी जांच हिरणमगरी थाना को सौंप दी गई। हिरणमगरी थानाधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि शुक्रवार रात नाकाबंदी के दौरान प्रवीण के कब्जे से 1 किलो 832 ग्राम गांजा बरामद किया। जानकारी के अनुसार आरोपी रौनक लंबे समय से गांजे का व्यापार कर रहा था और कॉलेज के छात्र को बेचा करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी, कल दिनांक रात्रि को पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा यूनिवर्सिटी रोड पायड़ा में नाकाबंदी के दौरान प्रवीण जैन को गिरफ्तार किया। उसके पास से, उसके कब्जे से 1 किलो 832 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसमें गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण दर्ज किया है 8/20 NDPS एक्ट में, जिसका अग्रिम अनुसंधान मेरे जिम्मे किया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाकर PC रिमांड प्राप्त किया जाएगा, जिसमें उससे पूछताछ जारी है कि ये गांजा उसने कहाँ से प्राप्त किया और कितने टाइम से ये इसका खरीद फरोख्त का व्यापार कर रहा है।